देश में कोरोना संकट के बीच आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बात दिल्ली की करें तो यहां पर डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 18 दिनों से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये के पार भी जा सकती है। बुधवार को डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 79 रुपये 88 पैसे तक पहुँच गई है। ये लगातार 18वां दिन है जब डीजल के भाव बढ़े हैं। आज तक में छपी एक खबर में इंडिया टुडे के संपादक अंशुमान तिवारी बताते हैं कि तेल कंपनियों ने भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव तब बढ़ाने शुरू किए जब कच्चा तेल काफ़ी नीचे यानी कि $19 प्रति बैरल के आसपास था, तो अब कच्चे तेल के रेट भी बढ़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल के आसपास पहुँच गया है। तेल कंपनियों के पास जो इन्वेंट्री है उसमें भी नुकसान हो रहा है। मांग कम हो गई है और उनके मार्जिन माइनस में आ गए हैं, तो वे अब नुकसान की भरपाई अपना मार्जिन बढ़ाकर करेंगी। एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने करीब 13 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसका अभी पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि रेट आगे और बढ़ेंगे। यही गति रही तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार भी जा सकती है। अंशुमान तिवारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की क्रोनोलॉजी को आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहले केंद्र सरकार ने इस पर लगातार टैक्स बढ़ाया, अब तेल कंपनियां दाम बढ़ाकर अपना वही खाता ठीक कर रही हैं और आगे राज्य सरकार टैक्स बढ़ाकर अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी तेल को सरकारों ने टैक्स के मामले में दुधारू गाय समझा है। इस सब का पूरा बोझ जनता पर जाएगा तो दाम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा तब नहीं होगा जब राज्य सरकार कोई विशेष कदम उठाकर इसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन ये राहत भी लग रहा है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले नहीं मिलने वाला है। अंशुमान तिवारी ने कहा कि ये सरकार ने पहले ही तय कर रखा था कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बराबर पर लानी है, क्योंकि दोनों की लागत लगभग एक बराबर आती है। दूसरे देशों में अक्सर डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा रखी जाती है। इसकी वजह यह है कि इसकी उत्पादन लागत पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन भारत में सरकारों ने अभी तक सब्सिडी और टैक्स के द्वारा इसे सस्ता रखने का प्रयास करती रही है, क्योंकि यहाँ पर खेती, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे बेहद ज़रूरी कामों में इसका इस्तेमाल होता है। अब आइए जानते हैं राज्यों की कीमत में क्यों है अंतर। इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल की बेस प्राइस जहां 22.11 रुपये प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल की बेस प्राइस 22.93 रुपये प्रति लीटर है। यानी डीजल की लागत थोड़ी ज़्यादा है। जिस राज्यों में डीजल का टैक्स ज़्यादा है वहां पर अब डीजल का रेट भी बढ़ गया है। यूपी जैसे कृषि प्रधान राज्यों में अभी डीजल पर वैट कम है, इसलिए वहां अभी डीजल का रेट कम है। इस महंगाई का क्या असर पड़ेगा? पिछले 18 दिनों में हमने देखा है कि डीजल की कीमत में 10.48 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल भी 8.50 रुपये महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई की ओर बढ़ने की वजह से अगले दिनों में महंगाई का तगड़ा झटका लग सकता है। खासकर डीजल का रेट बढ़ना ज़्यादा नुकसानदेह है। भारत में डीजल का इस्तेमाल कृषि, ट्रांसपोर्ट जैसी ज़रूरी कामों में किया जाता है। डीजल के रेट बढ़ने से कृषि पैदावार के रेट बढ़ेंगे और तमाम सामान की ढुलाई भी बढ़ जाएगी, ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाएगा। इसी वजह से महंगाई बढ़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।